बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने हर तरीके से लोगों को समझाना शुरू कर दिया है, जहां आज सदर बाजार थाना क्षेत्र के सोतीगंज मेहताब में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट CO कोतवाली और सदर बाजार इंस्पेक्टर ने की। इस मीटिंग में शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें दिल्ली की घटना को इग्नोर करते हुए मेरठ में शांति बनाए रखने की गणमान्य लोगों से अपील की गई। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जहां मेरठ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं सभी पुलिसकर्मी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शांति समिति की बैठक कर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें, मेरठ में NRC और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुई हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ही मेरठ को संवेदनशील शहरों में गिना जाने लगा। इसी को देखते हुए मेरठ का पुलिस और प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये कल दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए कल शाम से ही जनपद मेरठ की पुलिस फोर्स पूरी तरह से सक्रिय है, और जो भी जनपद के मुअज्जिज और सम्भ्रांत लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर ली गई है। सभी लोग पूरी तरह पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की मेरठ कोई समस्या नहीं है, सभी धर्मों के सभी लोग, और एकदम बहुत ही अच्छा वातावरण जनपद का है। कुछ जो उपद्रवी लोग थे, जो 20 दिसंबर की हिंसा में चिन्हित थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कुछ और लोग जिनके नाम इस उपद्रव में आए थे, उनकी तलाश भी जारी है, और कुछ के खिलाफ नॉन बिलल वारंट भी इशू कराया गया है। साथ ही सतर्कता बरतते हुए DGP हेडक्वार्टर से हमें DGP महोदय के द्वारा पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी उपलब्ध, जनपद को पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध करा दिया गया है, किंतु जनपद में अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।